कहता है कि टेंडर हो गया है वहाँ, चलो संतोषों से कहे समझे, तू कह रहा है का कि उसका हो गया है, बोले कहाँ हो गया है, तुम्हारे कागजे पर होगा जमीन पर होगा। ये सड़क को ले लिए हम लोग, कई बार बोले हैं संतोष भी कहें कि इसका टेंडर हो चुका है, बनेगा जो आपको झारखंड तक सड़क जुड़ती है, बार हम लोग संतोषना दिया जाता है कि हम इसमें टेंडर हो गया तो ये हो गया आज जो है कि दो साल से यहाँ बिजनेस का भी से भी हम लोग जुटते हैं, यहाँ मेन रास्ता है और आज तक की सड़क इतना ही कह के, जैसे बच्चों को माँ कहती है कि सो जा, दूध पिला देती है, सुला देती है, उसी तरह हम लोग को जब न तवे लोग आते हैं और सुला देते हैं, जबकि यहाँ दुर्घटना हुआ था, इससे MP MLA सारे आए देखे, उन लोग सब लोग कहें कोई नहीं सुनते, अगर लोग नहीं ऐसा करते तो फिर हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे जी। जय हिंद, नमस्ते। नाम बता दीजिए। रामचंद्र यादव। सड़क को लेकर के क्या क्या प्रभावित हो रहा है? सड़क के बारे में ही कहना चाहते हैं कि सरकार डबल इंजन का सरकार चला रही है, पर वो काम का नहीं सिर्फ नाम का। ये ऐसा रोड है जो मेन रोड के तुलनात्मक रूप में है। ये रोड के चक्कर में हमारे विद्यार्थी, हमारे आवागमन की राहें हर कुछ बंद कर चुकी दी गया है। इस जल्दी में ही आगरा दुर्घटना में यहाँ इसमें हर लोक प्रतिनिधि पहुँचे, सांसद, MLA, विधायक, सिर्फ मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम सभी को सुरक्षा दे रहे हैं। क्या सुरक्षा दे रहे हैं? ये रोड में हमारे ख्याल से लगता है कि महीना दो महीना में रोड दुर्घटना भी होता है ये रोड की स्थिति से। अगर सरकार डबल इंजन के नाम से चल रहा है, कैपेसिटी है तो रोड बनाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन असीमित नहीं, अनलिमिटेड चलेगा। सड़क कहाँ से कहाँ जुड़ती है? ये तो झारखंड तक चला गया है, गंगटी बाजार से लेकर के ये कोठी होते हुए झारखंड रोड मिल गया है। कितना किलोमीटर सड़क खराब होगी? लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच रोड खराब है। और ये आज नहीं, 2016 से हम लोग कहते आ रहे हैं, आवेदन देते आ रहे हैं, टेंडर हो गया है, पास हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, क्या पर ऐसा कुछ उम्मीद लगती है कि बन जाए? उम्मीद नहीं लगता है कि ये बनेगा। क्या ये सरकार के द्वारा, ये सरकार रहते हुए क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है फिर अगर नहीं बना तो? अगर नहीं बना तो हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करेंगे, अनलिमिटेड करेंगे आंदोलन। जी, नाम बता दीजिए। रंजीत कुमार यादव, ग्राम भवन।